जगत का यह प्रदर्शन आपके बीच में देखने को मिल रहा है। क्या शानदार प्रतियोगिता होती है यहां पर, चारों तरफ चक्कर बता भी दिए राउंड। फिलहाल में दिलदारनगर थोड़ा वंश नारायण यादव जी का आगे चल रहा है, इतना सब लोगों से आगे हो चुका है, हमें पूरा उम्मीद है कि ये पहला स्थान ही आएगा। देखिए सबसे पहला स्थान आने का संभावना है, जो इधर आसपास के जितने घोड़ों का रेस होता है इसमें पहला स्थान हर एक जगह बाजी मारता है। जो देखिए जो चल रहा है और इसके पाछे बलिया से भी आए हुए बक्सर। फिलहाल में सबसे आगे चल रहा है दिलदारनगर का घोड़ा, दिलदारनगर यूपी में पड़ता है और पूरे लोगों का सहयोग है कि ये सबसे आगे चल रहा है और यही घोड़ा अब दूसरा राउंड पूरा कर चुका है। जो प्रथम रेस में शैलेश यादव सफल रहे, जो एक घोड़ा दिलदारनगर से है वंश नारायण यादव जी का, जो देख पा रहे हैं चार नंबर घोड़ा, चार लोगों में पहला स्थान पहले रेस में आया है। ये पहला वाला में आ गया, पहला मार दिला एक बार और बोल रहा ना कि पहला रेस समझ जाला। कार्यक्रम के संचालक श्री भूपेंद्र भैया जी को बताने का कष्ट करें लिखित रूप से, लिखित रूप से इनका फैसला व्यक्त करिएगा। हम बोल देंगे पहले भैया बताया बता पहले आया जहाँ जहाँ पे रेस में जाता हूँ इनका घोड़ा प्रथम नहीं तो जीत प्रथम जाना। चंदौली जिला से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं नवयुवक प्रहार है, ये को बरस तो बोल ली का है मैं इसी में जुड़े क्यों करे मैं इनका घोड़ा कौन सा है? चार नंबर एक एक काट दी वीडियो ए अरुण अरुण एक एक वीडियो काट दी किराए दी पर चलू रही स्टॉप कर दी रोक ले पूरा खत्म करिए।